नमस्कार किसान भाइयों, मैं गुरुदेव सिंह मलका आपका मलका पोल्ट्री फार्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे पोल्ट्री फार्म में बर्ड की एवरेज लगभग 2.5 किलो प्लस है, 2500-2600 ग्राम एवरेज है। और बहुत से किसान भाई पूछते रहते हैं कि अपनी मुर्गियों का, अपने बर्ड का वज़न कैसे बढ़ाएं और अपना अच्छा फ्लो कैसे निकालें। और हम भी उनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते रहते हैं क्योंकि हमने 2014 से अपना पोल्ट्री फार्म शुरू किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बर्ड की कंडीशन काफ़ी साफ़ सुथरी है। सबसे पहले तो मैं अपने फार्म के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे पास 10,000 की पोल्ट्री है और ऊपर नीचे दो शेड बनी हुई हैं। ऊपर वाली शेड में आप देख रहे हैं कि जैसे कि काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से हमने अपने शेड को बनाया हुआ है, क्योंकि हमने अपने शेडों को इंसुलेशन से कवर किया हुआ है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। और आप देख ही रही हैं जैसे कि वीडियो में बर्ड के नीचे जो मैनूअर है वो भी काफ़ी सूखा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ड्राई। और ये सब किस कारण हुआ है, क्योंकि हमारे शेड का टेम्परेचर बिल्कुल एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको मेंटेन कर पाते हैं। और दूसरा, हमने अपने शेड में निप्पल सिस्टम को असेंबल किया हुआ है। ये निप्पल सिस्टम से भी फार्म में गीला नहीं होता और आप देख रहे हैं क्योंकि निप्पल सिस्टम के नीचे भी बिल्कुल कहीं कहीं भी कोई आपको कोई बैक्टी मैनूर नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे पास ये ग्रोमैक की निप्पल लगी हुई है। और शेड काफ़ी सूखा है और बर्ड के आज डेज भी 42 डेज का हो गया है, 42 दिन का बर्ड हो गया है, जिसकी एवरेज 2500 प्लस है। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें इस बार देखने को मिला है, वो भी इस ठंड के मौसम में। ये सब हमारे को जैसे कि महसूस हुआ, क्योंकि हमारा पहले टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते थे, काफ़ी मुश्किलें आती थी। और इस बार जो हमने इंसुलेशन अपने शेड में किया हुआ है उससे हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई और हमारा बर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन में इस बार रियर कर रहा है। और फीड के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और सभी किसान भाइयों से हम यही निवेदन करेंगे कि अपने बर्ड को ठंड में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पालें, क्योंकि उसमें अगर हमारे फार्म में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और सबसे पहले अपने फार्म की कंडीशन को देखें और उसे अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से सुधारें और फिर अपने बर्ड में को, अपने या चिक्स को अपने फार्म में प्लेसमेंट करें। और यही कारण है कि इस बार हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है और बर्ड भी बिल्कुल स्वस्थ है और मुर्गियों को वज़न लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई हो और सही प्रकार से दाना और पानी ले रहा है। पानी की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है और दाना की मात्रा भी बिल्कुल बराबर चल रही है और बर्ड में बिल्कुल भी हल्की सी भी आवाज़ नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे फार्म में इसी प्रकार हम अपने किसान भाइयों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहेंगे और नई नई जानकारियाँ हाउ टू फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक हम कम्प्लीटली सभी वीडियो डालेंगे, क्योंकि अब हमें भी महसूस हुआ है कि जो एक्सपीरियंस हमने प्राप्त किया है तो वो भी अपने किसान भाइयों के साथ शेयर किया जाए। और कैसे फार्म में फर्स्ट डे को कौन सी मेडिसिन यूज करें, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करें, सभी ए टू जेड वीडियो हम अब हम अपने पोल्ट्री फार्म चैनल पर डालेंगे, जो कि किसान भाई लगातार उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि जिन भाइयों ने अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाले समय में आपको भरपूर जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।